भाई का आईफोन के क्या हाल हुए? अरे दो सॉफ्ट पेस्टल के डब्बे हैं, नीचे ऑयल पेस्टल का डब्बा है। ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लवी नागर। और यार आज दिन भर से सो ही रहा था, मैं अभी रात को उठा हूँ। दिन भर हो गए सोते सोते क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, पर अभी थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। एंड मैंने सोचा था आज व्लॉग मतलब आज नहीं आ पाएगा क्योंकि दिन भर से तो सो ही रहा था मैं, पर मैंने खुद को ऐसा चैलेंज किया कि डेली व्लॉग करना है। तो आज भी मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ व्लॉग करता हूँ, छोटा ही व्लॉग बने पर कुछ ना कुछ व्लॉग आपको दिखाऊँ मैं। और दूसरी बात, आपको अपडेट भी देना था कि यार ठीक है, अब मेरी तबीयत मतलब थोड़ा अब ठीक लग रहा है मुझे। कल तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी यार, आज तो मतलब ठीक लग रहा है। उसी के कारण मैं कल नहाया भी नहीं, तो सोच रहा हूँ अभी नहा लेता हूँ। फिर एक चीज़ मैंने सोची है कि आपको थोड़ा सा स्टूडियो दिखाता हूँ, मतलब स्टूडियो तो नहीं बोलेंगे बट हाँ, जहाँ भी मैं काम करता हूँ थोड़ा दिखाता हूँ आपको। पेंट वगैरह जो भी मेरे आर्ट सप्लाईज वगैरह है वो सब आपको दिखाता हूँ। तो चलो आज ये करते हैं व्लॉग में। और हाँ यार, आज ऑयल पेंटिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जो ऑयल पेंटिंग है ना उसके कारण ही प्रॉब्लम हो रही है मुझे। क्या जुकाम हो रहा है, पूरी नाक बंद है मेरी तो, और ऑयल पेंटिंग कर रहा हूँ तो उसकी स्मेल से और इरीटेट हो रहा हूँ थोड़ा सा, नाक में ना प्रॉब्लम हो रही है, स्मेल जा रही है पूरी। तो अभी के लिए तो दिक्कत है थोड़ी, तो अभी पेंटिंग तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ यार, कॉफी बना दी यार, कितनी कड़वी कॉफी है यार, एकदम काली। पीते ही एकदम माइंड तो खुल गया। तो अभी नहाने के लिए गर्म पानी किया है मैंने, ये वापस ठंडा हो गया। गर्म किया था फिर वापस सो गया मैं, वापस ठंडा हो गया, इसको वापस ऑन करके। भाई ऐसे रील देख रहा था बहुत देर से, रील 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 नहीं देख रहा था, सो गया था। तो क्या करे इंसान, पड़े पड़े नहीं सोऊंगा, अभी कितना सोऊंगा यार। डबल से चालू करता हूँ इसको, डबल से गर्म होगा फिर जाता हूँ नहाने। लो हमारे विशाल भाई ने फोन तोड़ लिया। क्या हुआ भाई, क्या गुड न्यूज है भाई? गुड न्यूज ये है कि आगे से नहीं गया। ये गुड न्यूज आना तो अच्छी बात है ना, ये आगे से नहीं गया, नहीं तो आगे से जाता तो फिर तो मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं रहता अभी तो। भाई का आईफोन के क्या हाल हुए? तो ये कैसा गिर गया ऐसा? अरे कवर लगा हुआ था, ऐसा गिरा पॉइंट पे, ऐसे मतलब ऐसे पॉइंट पे गिरा। हाँ अच्छी बात ये है कि कैमरे पे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ और आगे स्क्रीन पे भी कुछ नहीं हुआ, सो ये मैं थोड़ा सा मतलब आराम से बैठा हुआ हूँ, नहीं तो अभी मेरी आंखों में से ना जल गिरता। भाई आंसू ही नहीं आ रहे बस आंख से। अरे भाई खतरनाक। अरे ये बहुत महंगा चेंज होता है भाई। मेरे एक फ्रेंड का टूटा था। हाँ तो वो गया था शोरूम मतलब सर्विस सेंटर। तो उन्होंने पता नहीं क्या था 12-13 हज़ार बताए थे इसके बस पीछे के ग्लास के, पर मेरे ख्याल से चेंज करवाने से कोई मतलब नहीं, इतना पैसा लगा था। बढ़िया कवर लगा लेना। नहीं अच्छा वाला एक कवर लेंगे आप, 250-300 का एकदम सेक्सी मतलब बहुत अच्छा वाला। हाँ यहाँ से अच्छा हो कुछ नहीं, यहाँ से दिखता है यहाँ से बहुत। अरे प्रोमेक्स की तैयारी है, वो तो भगवान ने बोला है कि प्रोमेक्स ही लेना आप, डायरेक्ट 3 कैमरा। भाई मेरा आईफोन संभाल के रखना पड़ेगा। सही में यार कोई बात नहीं, इसी बहाने अच्छा कवर आ जाएगा, अच्छा कवर देखने को मिलेगा आपको स्टोरी। ये हंसी के पीछे जो आंसू है ना, अरे हंसी के पीछे जो आंसू है ना वो मैं ही देख सकता हूँ बस। अच्छा देखो इसको, देखो ये कितना प्रोटेक्ट करके रखता फोन को है ना, इसका आईफोन को। ये देखो पीछे से पन्नी चढ़ा के रखता है प्रॉपरली। मेरा मतलब मेरा फोन ऐसा है कि मेरे में एकदम बेसिक कवर लगा हुआ है, पीछे कोई पन्नी नहीं चढ़ाई कुछ नहीं चढ़ाई, मैं एकदम रफ एंड टफ रखता हूँ ना, साफ करता हूँ, बिल्कुल पड़ा रहता है ऐसा आईफोन मेरा। पर इसको देखो कितना संभाल के रखता है और इसी का टूटा भाई। इसलिए कहते हैं ज्यादा केयर नहीं करना चाहिए ज्यादा चीजों की, पता है? केयर तो करना चाहिए यार, केयर तो ज्यादा केयर करते हो ना फिर वो टूट जाती है चीजें। कोई बात नहीं, अब आईफोन 15 प्रो मैक्स आएगा, तू ऐसे भी 16 ले रहा है मैं 15 ले लूंगा। पैसे नहीं है यार, सीरीज वाइज पैसे नहीं है मेरे पास कौन से व्लॉग चैनल पे व्यूज नहीं आते यार। क्यों व्यूज नहीं आते? व्यूज नहीं आते तो जो आर्ट वाला चैनल है उस पे तो मोनेटाइजेशन है ही नहीं, उस पे 1 मिलियन वो है सब्सक्राइबर तो उस पे मोनेटाइजेशन नहीं है। और ये जो व्लॉग वाला चैनल है इस पे व्यूज नहीं आते, तो बड़ी समस्या जीवन में। आज कुछ किया नहीं तो विशाल भाई ने कंटेंट। अरे पता कब से मैं मतलब ये मेम्ब्रेन देखो कितना गंदा हो रहा है, मैं कब से सोच रहा था कि इसको है ना साफ करके नया मेम्ब्रेन लगवाना, पर ये कितना चमक रहा है यार फोन, फोन कितना चमक रहा है।
कोई बात नहीं। चमकता हुआ फोन निकला अंदर से, तो डिजाइनर फोन। ये दोनों भी आ गए अभी। टूटा कैसे? केच खेलते थे। अबे ये हंस नहीं रहा है बेचारा, उसके पीछे के आंसू तो देखो तुम। भाई मेरे तबीयत के हाल पूछने आया था। और अब विशाल भाई के तबीयत के हाल पूछो। मेरी तबीयत तो ठीक है, इसकी बिगड़ जाए। अगर अगर इस पे स्क्रीन पे है ना तो भले तू हाल देख लेता, पर अभी तो सब नॉर्मल है। वारंटी में पूछो उनसे क्या होगा। नहीं, वारंटी नहीं ली थी। बेचारा हसदे चेहरे का मतलब यह नहीं होंगे कि कोई तकलीफ नहीं होंगी, मतलब तकलीफा डील करना होंगे। ओके, तो यार नहा दो के अभी थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को, थोड़ा फ्रेश फीलिंग आ रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने बोला था कि हाँ थोड़ा सा स्टूडियो में दिखाता हूँ क्या क्या रखा हुआ है। स्टूडियो तो नहीं, मतलब कमरे में दिखाता हूँ क्या क्या रखा हुआ है, वो दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरी टेबल से। ये मेरा ईजल रखा हुआ है, ये कैनवास, और ये यहाँ पे एक टेबल लगी हुई है जिस पर मेरे थोड़े ब्रशेस और जो भी काम मैं करता हूँ वो सामान रखा रहता है। तो फिलहाल मैं ऑयल पेंटिंग में काम कर रहा था, तो यहाँ पे ये ऑयल वाली पैलेट रखी हुई है, ऑयल कलर के ट्यूब रखे हुए हैं, ये पानी पीने के लिए गिलास रखा हुआ है, कल का ये रखा हुआ है, तो हाँ ये है। और इसमें सारे ब्रशेस वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो इधर से स्टार्ट करता हूँ, देखो मैं ब्रशेस से सबसे पहले। तो ये एक बॉक्स है जिसमें सारे बड़े ब्रशेस रखे हुए हैं, तो ये सारे जिनकी हाइट ज़्यादा है, बड़े बड़े ब्रश है ना, तो वो सारे इसमें रखता हूँ मैं। फिर उसके साइड में एक और ये डब्बा दिख रहा होगा, तो इसमें सारे फालतू के ब्रशेस जो भी मतलब ज़्यादा काम नहीं आते ना, आलतू फालतू ब्रश है इसमें। देखो मैं दिखाऊंगा, ये टूथब्रश भी है इसमें, ओह बच गया, गिर जाता अभी हाथ से। तो इसमें मेकअप ब्रश भी है, ये सब फालतू ब्रश है इसमें जितने भी रखे हुए हैं ये वाले। उसके साइड में देखो ये एक बॉक्स है जिसमें पेंसिल कलर वगैरह रखे हुए हैं, ये बहुत पुराना है मेरे पास बहुत पहले से। तो इसमें देखो ये पेंसिल कलर और ये स्केच पेन वगैरह रखे हुए हैं इधर साइड में, तो हाँ ये वो है। और इसको मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ ये पेंसिल्स वगैरह को, तो हाँ ये रखी हुई हैं बस कोने में रखे रहते हैं, अच्छे लगते हैं थोड़े देखने में। कभी कभार जब कभी स्केचिंग करने का मन होता है कलर पेंसिल से तो यूज़ करता हूँ। फिर इधर आगे आते हैं ना, तो एक और ये बॉक्स रखा हुआ है, ये पता नहीं क्या है इसमें, इसमें रख देता हूँ ये बड़े वाले इसके उसमें, है ना। तो इधर पे ये देखो इसमें सारे पेन और मैकेनिकल पेंसिल्स वगैरह हैं, है ना। ये देखो ये मैकेनिकल पेंसिल, ये इसकी निपने के लिए हुई है इतनी, तो ये पेंसिल है, इसके पीछे रबर लगी हुई है, ये बहुत सारी है मेरे पास। ये तो इंडियन फ्लैग बन रहा है, ऑरेंज एंड सॉरी सैफरॉन और ग्रीन। इसमें वाइट पेन और बाकी सारे पेन रखे हुए हैं इसमें, है ना। तो इसको यहाँ रख देते हैं वापस। तो ये पेन और पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल वाला सेक्शन, और इसमें सारी पेंसिल वगैरह हैं, तो जो भी पेंसिल खत्म हो जाती है ना, छोटी पेंसिल वगैरह, तो वो इसमें सारी रखी हुई हैं। बाकी इसके सामने ये छोटा टूटा हुआ कप है, इसमें जो भी पिन निकलती है कैनवास को अनस्ट्रेच करते हैं ना, तो वो सारी पिन रखी हुई है इसमें। उसके साइड में है ये हमारा कंटेनर, तो उसके साइड में ये कंटेनर है देखो, वाटर कंटेनर है पानी भरने के लिए, और ये टेप पैकिंग वगैरह के लिए, और ये भी एक छोटा सा वो है डस्टबिन टाइप, इसमें भी पेन वगैरह रख लेता हूँ मैं। और फिर बाकी सारे ब्रशेस के सेक्शन है, तो ये वाला देखो इसमें भी ब्रश है और पेंसिल भी रखी हुई है कुछ, तो इसमें वाटर कलर ब्रश रखे हुए हैं मेरे, ये वाटर कलर ब्रश है, और कुछ ब्रश इसमें भी रखे हुए हैं, ये भी ब्रश का है, और ये छोटे ब्रश का छोटा सा दिख रहा होगा पीछे, ये निकाल के बताता हूँ तो पूरा फैल जाएगा यार आपको दिखाने में। तो ये भी एक है, और ये सारे ही ब्रशेस मतलब इतने गंदे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनसे काम करते हैं ना, तो पेंट लग जाता है, पेंट कभी मैं साफ करके रखता नहीं उनका, तो सारे गंदे ही होते रहते हैं। और अभी पता नहीं मुझे पसीना क्यों आ रहा है यार, ठंड भी लग रही है पसीना भी आ रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं, तो ये एक डब्बा है मेरे पास जो मेरे पुराने फ़ोन का डब्बा है रियलमी का, तो इस पर भी देखो ये दुनिया भर के पेन पेंसिल ये वो इंक कटर, तो ये जो भी चीज़ मेरे को यूज़ में आती है ना वो सब इस डब्बे में रखी हुई है। इसके नीचे भी एक टिफिन बॉक्स वाला डब्बा है, ये भी खोल कर दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसमें भी ऐसे ही सामान रखा हुआ जो डेली यूज़ में आता है ना थोड़ा, है ना, तो वो सब रखा हुआ है इसमें फालतू का। ये कटर का ब्लेड्स है इसमें, ये कटर दूसरा पेन पेंसिल, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें, और इनमें से आधी सी चीज़ें जो मैं यूज़ भी नहीं करता बस रखी हुई है यहाँ पे। तो टेबल पे इतना कुछ सामान रहता है। अच्छा हाँ ये भूल गया ना मैं दिखाना, तो ये डब्बा है वाटर कलर ट्यूब्स का,
तो ये वाली वाटर कलर ट्यूब है, ठीक है, गैम्बोज कलर है इसमें, गैम्बोज, और गैम्बोज मेरे पास ऑयल में भी है। देखो ये ऑयल का गैम्बोज है और ये वाटर कलर का, कितने डिफरेंट है। ये छोटी ट्यूब है थोड़ी, ये बड़ी ट्यूब है, तो इसमें लिखा रहता है देखो यहाँ पे ऑयल कलर, और इसमें लिखा होगा वाटर कलर। देखो वाटर कलर लिखा हुआ है इसमें एंड इसमें ऑयल कलर लिखा हुआ है, तो दोनों सेम कलर है, पर ये वाटर कलर का, ये ऑयल कलर। तो ये वाटर कलर का डब्बा हो गया, इसको पैक कर देता हूँ। और ये काफ़ी काफ़ी चलते हैं, मतलब एक बार ले लो तो काफ़ी चलते हैं। फिर इसके बाद ये नीचे वाटर कलर की पैलेट, इसको खोल के दिखाता हूँ। अभी लेके आया था मैं ये रिसेंटली, जब मैं ये एक हाथ से खुलती नहीं है यार। ओके, तो ये वाटर कलर पैलेट है, इसमें सारे कलर्स रखे हुए हैं, लाइट टू डार्क रखे हुए हैं इसमें। देखो यहाँ से लाइट और ये डार्क तक, ठीक है, तो ये लाइट टू डार्क ये है। एंड ये भी एक पैलेट है, तो ये एक्रेलिक की पैलेट है, अभी साफ करके रखी हुई है, ठीक है। फिर ये एक, ये देखो एक्रेलिक की पैलेट, इसमें साफ नहीं है, तो खोल के बताता हूँ मैं आपको, खुल जाए यार। हाँ, तो ये देखो एक्रेलिक कलर रखे हुए हैं इसमें, ये सूख गए होंगे, मैं भी नहीं, गीले हैं अभी तक, गीले हैं यार। तो ये एक्रेलिक कलर रखे हुए हैं इसमें, देखो है ना, इसको ऐसे यूज़ कर देखे, बंद कर देता हूँ वापस, तो ये कलर सूखते नहीं है। तो ये एक्रेलिक कलर की पैलेट है। फिर इसके नीचे कुछ मेरी डायरीज हैं जिसमें कुछ कुछ नोट करता हूँ, ये बुक है। इसके नीचे वाटर कलर का ये बो रखा हुआ है, छोटे मेरे पास, मुझे कभी खजरा हो गया था ना, वहाँ से मिला था ये वाटर कलर के शेड्स। तो हाँ, ये देखो वैसे पैक के पैक रखे हुए हैं बिल्कुल, इनको मैंने यूज़ ही नहीं करा, एकदम पैक सही सलामत। इनको भी यूज़, अगर ये वाले मेरे से ख़त्म होंगे तो ये यूज़ करूँगा, पर ये काफ़ी चलते हैं तो इनको अभी यूज़ करने की नौबत ही नहीं आई अभी तक, तो रखे हुए बस ये सही ऐसे यहाँ पे। फिर उसके बाद ये बुक है, और नीचे मेरी एक स्केच बुक रखी हुई है जिसमें मैं फालतू के स्केच बनाता हूँ। ओके, तो ये थी पूरी टेबल, बस यहाँ पे ऐसे ब्रशेस वगैरह रखे हुए हैं, ब्रशेस पेंसिल वगैरह, और यहाँ पे मेरा ईजल रखा होता है, इसको ईजल कहते हैं स्टैंड को, उसके ऊपर कैनवास, और ये हमारी चेयर जिस पे बैठ के यहाँ पे काम करते हैं। तो ठीक है, ये पूरा सेटअप हो गया, ड्राइंग सेटअप। यहाँ पे एक लाइट स्टैंड है, तो मैं इसको ट्राइपॉड की तरह यूज करता हूँ। यहाँ पे अपना फोन लगा देता हूँ ऐसे, तो ऐसे करके देखो यहाँ पे फोन लगा देता हूँ, तो ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो अभी ना देखो ये लोग ना पकौड़े बना रहे थे, है ना, मैं जब आपको सारा सामान दिखा रहा था, ये पकौड़े बना रहे थे, प्याज काटे, आलू कट करके रखे, और जब बेसन निकाला हम लोग डीमार्ट से लेके आए थे, तो इस पे डिजाइन बनी हुई है बेसन पे, देखो पूरा खराब हो रहा है बेसन। खोलना इसको अंदर से तो देखें कैसा हो रहा है, खुलने का नाम ले रहा है यार। अंदर से अच्छा हो क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, खराब हो गया। पकौड़े बनाने का ट्राई कर रहे थे ये लोग, वही क्या हुआ इसका, आलू की पैक कर दे यार, मत दिखा यार, अंडे का इधर बुर्जी बन गई अंडे की। अंडे का फोन आएगा, बोलेंगे थोड़ा सामान संभाल के रखा करो बेटा, बहुत पिटेगा तू। जिस दिन मिल गया ना, बहुत पिटेगा, जिस हिसाब से तू बजेंद्र ने बोल तो रहा है, जिस दिन घर गया ना, बहुत पिटेगा, तू ही पिटेगा। तो यार ये बेसन खराब हो गया, पूरा डीमार्ट से लेके आए थे, ऐसा कैसा, इसका क्या करना है, आलू काट के जो रखा, ये आलू और प्याज काट के रखे, इसका क्या करना, चिप्स बनाएंगे, चिप्स बिना सुबह के चिप्स, बस डायरेक्ट तेल गरम करना। एक काम करो, इसको इसकी खिचड़ी बना लो। वैसे रात के अभी 2 बज रहे हैं और बेसन लाने का कोई सीन है नहीं, हो गया यार, फ्रेंच फ्राइज बना सकता। काम करो, मैं काट कर दिया, पोहे बना दो। पोहे और क्या बनेगा, मैं नहीं बनाऊंगा पोहे। अरे ये क्या हो रहा है, इसने प्याज और आलू तो कट करके रख लिए, तो इसका आप बनाएंगे पोहा। पोहा मुझे ही बनाना है, क्योंकि इन दोनों को ही बनाना नहीं आता पोहा ढंग से। अरे इन्होंने पकौड़े के लिए इतने आलू काट दिए थे, तो आधी कढ़ाई तो आलू से ही भर गई। देखो तो मैं पोहे में आलू नहीं डालता हूँ ज़्यादातर, ठीक है, तो आधी कढ़ाई तो आलू से ही भर गई, अब पोहा जाएगा तो ये फुल कढ़ाई हो जाएगी। ओके, तो फाइनली पोहे बन के रेडी, और ये आलू वाले पोहे बने। कैसे, नमक ज़्यादा कम है क्या? बढ़िया, अच्छे अच्छे ही बनाता हूँ मैं। बनाना तो पकौड़े थे आलू प्याज के, भी बढ़िया। तो अभी पोहे तो खा लिए, अब मैं आपको बाकी एक कॉर्नर बताता हूँ रूम के। यहाँ से स्टार्ट किया था टेबल से, चेयर एंड ईजल, फिर इस कॉर्नर पे, यहाँ से ऐसे आएंगे ना तो इस वॉल पे देखो, सबसे पहले तो हाईलाइट है मेरा गोल्डन प्ले बटन एंड 2 सिल्वर प्ले बटन।
तो इसमें से एक जो है ये लवी नागर वाला, तो ये मुझे सबसे पहले मिला था और इस वाले सिल्वर प्ले बटन में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। मतलब जो फर्स्ट सिल्वर प्ले बटन आया था ना उसमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी, और ये मेरे हाथ से गिर भी गया था देखो। तो यहाँ पे देखो YouTube भी मिट गया इसमें। फिर उसके बाद ये गोल्डन प्ले बटन आया, फिर उसके बाद ये व्लॉग चैनल का सिल्वर प्ले बटन है जो चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो। तो हाँ, ये तीन प्ले बटन है मेरे पास। फिर उसके ऊपर आप देखोगे तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर है इंदौर में ही, उन्होंने गिफ्ट की थी है मुझे मेरा पोर्ट्रेट बना के चारकोल में, तो ये भी मैंने लगाया, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे ऊपर एक लैंडस्केप लगा हुआ है जो मैंने अभी रिसेंटली आउटडोर लैंडस्केप किया था, वो लगा हुआ है ऊपर, तो मैं ऐसे टांग दिया था बस इसको बस यूं ही। अब उसके नीचे है ना, यहाँ पे मेरा एक बैग रखा हुआ है जो मैं कॉलेज ले जाता था पहले और आउटडोर पेंटिंग के लिए ले जाता था। फिर नीचे रखे हुए हैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर के डब्बे, तो हाँ ये इतने अच्छे से जमे नहीं रखे रहते हमेशा, मतलब पिरामिड बना हुआ है बिल्कुल। अभी वीडियो के लिए मैंने थोड़ा इनको अरेंज करके रखा है प्रॉपरली। एंड इसमें जो मोस्टली कलर यूज होते हैं वो सारे हैं, रेड, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट, तो ये इधर सारे कलर हैं, मोस्टली यही कलर्स यूज होते हैं। और ये सारे ही बॉक्स ना आधे आधे किलो के हैं, ये देखो इसमें लिखा है 500 ml। और इधर एक स्टूल है बैठने के लिए। फिर इधर यहाँ से आप इस कॉर्नर पे आओगे तो यहाँ पे एक पोर्ट्रेट रखा हुआ है, चारकोल पोर्ट्रेट, ये देखो। ये अनुज बना रहा था अभी बैठ कर, तो उसने यही रख दिया, ठीक है। ये आ गया देखो, इसका नाम लिया तो तो आई ये बना रहा था इधर पे, तो इसका यहाँ पे रखा हुआ है, ऊपर बल्ब लगा हुआ है। और हाँ ये विंडो देखो, तो इस विंडो पे काफ़ी सारा टूल रखे हुए हैं, ये टेप है नापने के लिए, एंड ये कुछ कुछ टूल हैं, प्लायर, ये स्टेपलर है ना, ये चाबी गाड़ी की, ये अम्ब्रेला, छोटा वाला अम्ब्रेला भी है हमारे पास पर ये ख़राब है, कैंची सीधा, तो इस पर मतलब टूल रखे हुए हैं ज़्यादातर सारे। और फिर ये शेल्फ देखो, इस पे रखा हुआ है आधा सा सामान, तो इस कॉर्नर पे जो ये शेल्फ है इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको, रुको। हाँ तो इस शेल्फ को दिखाने के लिए डिटेल में तो कुर्सी पे चढ़ना पड़ेगा, फिर ही दिखा पाऊंगा आपको, रुको जरा। कॉर्नर से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे मूर्ति रखी है कान्हा जी की, एंड ये कुबेर की मूर्ति है, कुबेर जी की। तो उसके पीछे देखो यहाँ पे ये मास्किंग फ्लूइड रखा हुआ है, ये वाटर कलर में काम आता है ना, जहाँ पे आपको कलर नहीं पहुँचाना वहाँ पे लगा देते हैं, तो पैक रखा हुआ, कभी यूज़ ही नहीं किया मैंने। उसके पीछे जैसो रखा हुआ है, ये जैसो की छोटी छोटी बोतल है, तो जैसो अगर आपको पता होगा कैनवास पे अप्लाई करते हैं स्मूथ करने के लिए, सरफेस बनाने के लिए, तो ये जैसो है, छोटी छोटी डब्बियाँ इसकी। एंड उसके बाद ये क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता, तो इसमें शायद चौक रखी हुई है, ठीक है, तो ये चौक रखी हुई है। फिर उसके बाद ये कुछ पुरानी मेरी पेंसिल चारकोल के डब्बे हैं, और इसमें भी चारकोल पेंसिल वगैरह रखी हुई हैं, तो इन्होंने पैक करके रखा हुआ है। ये चारकोल पेंसिल का एक पूरा पैक बॉक्स है, इसमें चारकोल पेंसिल है सारी पैक रखा हुआ है, एकदम बिल्कुल यूज़ नहीं किया मैंने, ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ चारकोल, तो पैक। ये इसके नीचे सॉफ्ट पेस्टल है, दो सॉफ्ट पेस्टल के डब्बे हैं, नीचे ऑयल पेस्टल का डब्बा है। तो ऑलमोस्ट सारे जो मीडियम है ना मैंने ट्राई कर रखे हैं, एक गॉश मीडियम जो है वो ट्राई नहीं किया, बाकी उसके अलावा जितने भी मीडियम्स हैं ना, मतलब पेंटिंग ड्राइंग करने के, सॉफ्ट पेस्टल, ऑयल पेंट, एक्रेलिक पेंट, वाटर कलर, चारकोल पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल, तो सारे मीडियम ऑलमोस्ट मैंने ट्राई कर रखे हैं पर अभी मेनली मैं जो काम करता हूँ वो एक्रेलिक मीडियम में करता हूँ, मतलब एक्रेलिक पेंट से पेंटिंग बनाता हूँ, और दूसरा मैं वाटर कलर से पेंटिंग बनाता हूँ, उसके अलावा ज़्यादा मीडियम अभी मैं यूज़ नहीं करता, इसलिए ये सब यहाँ रखे हुए हैं डब्बे देखो, पर कभी ना कभी काम आते हैं तो हाँ उसके लिए संभाल के रखें। इसके बाद ये वार्निशेस रखे हुए हैं सारे, ठीक है, तो ये पिक्चर वार्निश है इसी कैमल का, इसके बाद ये भी वार्निश है, ये ग्लॉस वार्निश है ब्रश्ट्रो का, देखो ग्लॉस वार्निश है, एंड ये भी सेम ब्रश्ट्रो का वार्निश है, पर ये मैट वार्निश है, जब मैट फिनिश करना हो किसी पेंटिंग को तो ये यूज़ होता है, ठीक है, ग्लॉस के लिए ये वाला। फिर उसके पीछे ये तो आपने देखा होगा फिक्सेटिव, जब हम चारकोल पे स्केच बनाते हैं तो उसको फिक्स करने के लिए फिक्सेटिव यूज़ करते हैं। उसके पीछे ये वार्निश रखा हुआ है, इसका तो प्रिंट ही निकल गया है, बहुत पुराना है मेरे पास, तो ये भी वार्निश है, स्प्रे वाला वार्निश है, ये स्प्रे से जब एक्रेलिक पेंटिंग बनाते हैं तो उस पर वार्निश करते हैं, तो वो है ये। पीछे देखो कुछ कैनवास के टुकड़े रखे हुए हैं, और ये है फेविकोल का डब्बा, ये तो फेविकोल का डब्बा, कैनवास के कुछ टुकड़े हैं। उसके पीछे यहाँ पे जैसो का डब्बा रखा हुआ है, और एक वो ब्लैक कलर का एक्रेलिक पेंट का एक्स्ट्रा डब्बा रखा हुआ है मेरे पास, और यहाँ पे ब्लैक टेप, वाइट टेप, और ये कुछ पैकिंग के लिए काम आती है, अल्ट्राटेक की टेप वगैरह रखी हुई है, एक्स्ट्रा में आ गई थी कहीं से मेरे पास। तो एशियन पेंट का टचवुड जो लकड़ियों पे करते हैं ना, तो ये मैंने पेंटिंग पे ट्राई करा था एक बार, पेंटिंग पूरी पीली हो गई थी, ठीक है, तो ये भी रखा हुआ है तभी का। और ये पुट्टी, तो ये दीवार जब पेंट करी थी, जिसने भी वो व्लॉग देखा हो, मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तब ये पुट्टी लेके आया था, थोड़ी सी बच गई थी। उसके बाद यहाँ पे है ये पैकिंग के लिए ब्राउन टेप,
ये कुछ कीले वगैरह रखी हुई हैं, ये कंटेनर खाली, ये स्टेपलर, ये पुलर, ये कैनवास, ये फेविकोल और ये डिस्पोजल रेजिन के लिए, रेजिन करते हैं ना। और देखो इसमें रेजिन का कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें रेजिन दिख रहा है ना, ये इतना बच गया था रेजिन, ये इतना देखो इतना बच गया था, तो इसको ऐसे ही रख दिया था हमने, तो इसमें ही जम गया एकदम, पत्थर बन गया ये। और उसके बाद ये भी रेजिन का है, और ये कुछ पता नहीं क्या कुछ केमिकल लोचा हो गया था रेजिन में, तो ये ऐसा पूरा फॉर्म बन गया। और ये फॉर्म बिल्कुल कड़क है, देखो एकदम कड़क है ये, एकदम पत्थर जैसा। तो ये कुछ है सामान यहाँ पे, और इसके जस्ट ऊपर सेल्फ पे ये रखे हुए हैं रेजिन, ये पैकिंग के लिए पॉलोथीन, और ये रेजिन के डब्बे। तो ये जैक्स का रेजिन है मेरे पास, उसके पीछे भी फ्लोरोन का रेजिन रखा हुआ है, उसके पीछे भी कुछ रेजिन के डब्बे रखे हुए हैं, और ये एपॉक का एक पैक रखा हुआ है, बिल्कुल पैक डब्बा, तो ये भी यूज़ करेंगे अभी बहुत जल्द किसी पेंटिंग में। हाँ गया यार, ये कंटेनर, ये स्प्रे बॉटल, ये कुछ एक्स्ट्रा, ये खाली डब्बे हैं, एक्स्ट्रा नहीं है, ये खाली डब्बे हैं देखो पेंट के, जो खाली हो जाते हैं ना, इसमें मेरी ब्रांडिंग भी लगी हुई है, आर्टिस्ट लवीनागर। तो ये खाली डब्बे हैं, ये भी कुछ खाली डब्बे हैं, रेजिन का कुछ सामान रखा हुआ है, और इनमें भी कुछ मेरा पुराना आलतू फालतू सामान रखा होगा। ये भी एक रेजिन का डब्बा है, तो ये भी खाली है वैसे, तो इसमें कुछ फालतू सामान नहीं होगा। और पसीना आ गया यार ऊपर चढ़ के सारा सामान बताने में आपको, खतरनाक वाला। मतलब थोड़ी देर पहले मुझे ठंड लग रही थी, अब पसीना आ रहा है, मतलब ठंड तो अभी भी लग रही है पर पसीना भी आ रहा है साथ में, पता नहीं कैसा कैसी तबीयत हो रखी है यार अभी के लिए। तो हाँ यार, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।